पीछे मैं दिखा रहा चाहता वो मंजर अपने अल्लाह काम को, कैसे कल कोई ना कहें कि ये जो वीडियो है झूठ पे मबनी है, जो मैंने पोस्ट शेयर की है। अब वो सारे नज़ारे मैं अब दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। मेरा गांव है, ये मेरे इलाके के लोग हैं, डूब रहे हैं, तड़प रहे हैं, बुरे हालात में हैं। इस वीडियो के तहत मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आला हुकाम को कि खुदा रे यहाँ पे आए और यहाँ पे इन हमारे लाचार, बेबस और बेसहारा लोगों की मदद की जाए। इनकी जिंदगियाँ किस तरीके से मफलूज बन गई हैं वो आप खुद देखें। अब चारों तरफ पानी है और ये डूबे हुए जिंदगियाँ क्या पैगाम दे रही हैं। मेरी यूसी बकापुर डूब चुकी है, अभी तक यहाँ से पानी नहीं निकला है, लोग अभी भी डूब रहे हैं, बीमारियों से, भूख से तड़प रहे हैं। खुदा रा यहाँ पे आए और इनकी मालकी की जाए। 8 महीने गुजर गए हैं फिर भी ये मेरा गांव डूबा हुआ है। अब इन मंजर को मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा इस किश्ती पे मुसावत करके हम इन फंसे इलाकों में इन लोगों के पास आए हैं। यहाँ की आवाज़ बन के हम यहाँ पे आप लोगों को गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा रे यहाँ पे आए और इन मेरे देहात वासियों को, इन मेरे दोस्तों को, इन मेरे भाइयों को इन अजाब से निकाला जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोहतरम जनाब अपने हरदिल अजीज एजाज खान जखरणी साहब को और हमारे काबिल एहतराम डिप्टी कमिश्नर साहब को गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारे गांव वासियों की मदद की जाए। अब ये सारे नज़ारे आप खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आए और हमारे गाँव वासियों को इस जहन्नम जैसी ज़िंदगी से बचाया जाए। हम बहुत मशकूर और ममनून रहेंगे आप आला हुकाम के। सिंध सारी बुढ़ी वही, यूसी बकापुर वसाजी सारी बुढ़ी वही, यूसी बकापुर वसाजी सारी बुढ़ी वही, बुढ़ी वही बुढ़ी वही सिंधड़ी बुढ़ी वही, यूसी बकापुर वसाजी सारी बुढ़ी वही। दोस्तों अर्दात अज तई कोई भी असान ना आयो, असानी सिंध सजी बुढ़ल आ, यूसी बकापुर सजी असानी बुढ़ी वही, असान पानी में फाथल आयो, कोई भी असान ना आयो कोई पुछा करण जलाए। या सजे दोस्तन के वडे मानन के अपील आ, असानी असे अची वावर कयो, असानी पानी में फाथा पियाऊ, कुछ भी असान ना बचो, अस घर घाट सजा किरिया पे, सजा पान दिसो था। मां तवन शाह अब्दुल्ला शरीफ फनकार जकमाबाद जो यूसी बकापुर जो रिहाइश, असा सजा घर बार किरिया पे पान दिसो था, माल मवाद से अना ती पानी बीठो, 5 फुट पानी बीठो असा चार तरफ। मेहरबानी मैं स्पेशली गुजारिश करूंगा फनकार वो हस्तियाँ होती हैं जो अपनी सुरीले आवाज़ से लोगों के दिलों को, दिमागों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये वो हस्तियाँ हैं कि इनकी आवाज़ से हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि अपने मुल्क के वतन से प्यार करें, अपने शहर से लोगों से प्यार करें। और अभी फन से हम लोग क्योंकि अल्लाह तबरक तआला ने वो आवाज़ दी है। लेकिन आज यहाँ खड़े हैं इनके गांव पे, मंजर हमने आप दोस्तों को दिखाया है मैंने कि ये भी मेरे गांव का एक फनकार है जिनकी माशाल्लाह बहुत सुरीली आवाज़ है। लेकिन आज ये उस कंडीशन में है कि न खाने को है न ठीक से रहने को है। तो मैं स्पेशली गुजारिश करूँगा आर्ट काउंसिल वालों से कि मेरे गाँव का ये जो फनकार है इसकी मदद की जाए। शहजादा लाशा इसका नाम है, जकाबाद का मशहूर ये फनकार हैं, लेकिन इस वक्त ये मुस्तहक है मदद के। तो आर्ट काउंसिल वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे गांव के की मदद की जाए। स्पेशली आर के डिप्टी कमिश्नर साहब और ऑनरेबल मोहतरम जनाब मीर एजाज खान जखरणी साहब और जो हमारे जकाबाद के जो अजीम हस्तियाँ हैं, जो पहुँच वाली हस्तियाँ हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे इस गाँव वाले फनकार शहजादा लाशारी की मदद की जाए। शुक्रिया।